जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कि वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लाया है फ्री प्लान, जिसमें आपको यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, जिस टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको पढ़ने का सुनहरा मौका है। इसी के साथ आपको यहाँ पर 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लास हैं, डाउट्स क्लियर आपका सेशन होता है, और यहाँ पर 20,000 प्लस आपके यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जिस मॉक टेस्ट हैं और जिसका एनालिसिस बताया जाता है, और भी के लिए यहाँ पर बहुत सारी फायदे हैं अनअकैडमी। यहाँ पर अगर आप फ्री प्लान एक्सेस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और इसमें सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड याद रखें। और एक और जरूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए प्लस बैच, जिसमें आपके ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपनी मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ जो बैच हैं वह जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बहुत मदद करने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं प्री प्रिपरेशन का रामबाण तो अनअकैडमी लेकर आया है। यहाँ पर अनलिमिटेड आपके लिए 60 दिन का बैच कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 4 जनवरी को। इसमें आपको पूरा प्री कोर्स रिवीजन होगा डेली दिन में और मिलेगी डेडिकेटेड लाइव MCQ सेशन डेली शाम को। इसमें इनरोल करने के लिए आप बिल्कुल भी देरी मत करें। और यहाँ पर आपको क्या है, अगर आप अपनी स्पीड में रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्री के लिए यहाँ तो आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है आपका हो गया है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको 270 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड सेशन मिलेंगे और अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट क्लियर सेशन में जाकर इसका जो है डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर बताते जाएं। और लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि उत्पल कुमार सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष बताना, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, लोकसभा के ये अध्यक्ष कौन है, तो आपका सही आंसर है ओम बिड़ला, ओम बिड़ला आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो उपसभापति बताना है आपके लिए कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, यह आपके लिए बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है विकल्प नंबर बी, हरिवंश नारायण सिंह आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त बताना है क्वेश्चन नंबर 4 है अपने यहाँ पर, और आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन कुमार सिन्हा, हर्षवर्धन कुमार सिन्हा विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बताना है यहाँ पर कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा आपका यहां पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, क्या बताना है, तो कौन है बताइए, क्वेश्चन नंबर है अपना यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 6, तो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, आपका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है UPSC के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है UPSC के अध्यक्ष क्वेश्चन नंबर 7, और आपका राइट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है LIC के अध्यक्ष कौन है,
LIC के अध्यक्ष बताना है। यहाँ पर आपके लिए चार विकल्प भी दिए गए हैं। LIC के अध्यक्ष हैं कौन है? एम आर कुमार विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि ICC के नए अध्यक्ष कौन है? ICC के नए अध्यक्ष बताना है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ICC के अध्यक्ष बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। ग्रेग बार्कले आपका विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फीफा के नए अध्यक्ष कौन है? फीफा के नए अध्यक्ष बताना है। चार विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। फीफा के नए अध्यक्ष हैं तो आपका राइट आंसर है कौन है? जियानी इन्फेंटिनो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में वित्त सचिव बताना है। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे, अजय भादु, पीके मिश्रा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्या है? अजय भूषण पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि राजीव गौबा। राजीव गौबा आपका विकल्प नंबर डी यहां पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में विदेश सचिव हैं कौन है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन श्रृंगला आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव बताना है। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? अगर आपने विकल्प नंबर बी अजय कुमार चयन किया है तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, अजय कुमार यहां पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव बताना है। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो चार विकल्प हैं, जल्दी से अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो आपका सही आंसर है अजय कुमार भल्ला विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक बताना है यहाँ पर, तो कौन है? तो आपका राइट आंसर है अनूप कुमार विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर है। अनूप कुमार जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन है? NDRF के महानिदेशक बताना है, तो क्या है इसका सही आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है सत्यनारायण प्रधान विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन है? तो रॉ के निदेशक बताना है यहाँ पर, तो बताइए कौन है इसके निदेशक? तो चार विकल्प हैं और आपका सही आंसर है सामंत गोयल विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है सामंत गोयल। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन है? भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक बताना है, तो इसके महानिदेशक हैं कौन है? विकल्प नंबर सी यानी कि कृष्ण स्वामी नटराजन विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक बताना है, चार विकल्प हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि राजीव चोपड़ा विकल्प नंबर डी जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है? IB का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इसके निदेशक बताना है, तो बताइए इसके निदेशक कौन है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अरविंद कुमार विकल्प नंबर बी जिन्होंने सिलेक्ट किया उनका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? CBI के निदेशक बताना है, जल्दी से बताइए CBI के निदेशक कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 ऋषि कुमार शुक्ला राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक बताना है सीमा सुरक्षा बल, तो इसके कौन है महानिदेशक, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि राकेश अस्थाना आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक बताना है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी आनंद प्रकाश माहेश्वरी, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बताना है सीआईएएसएफ के महानिदेशक हैं कौन है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि राजेश रंजन विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष बताना है, तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, अशोक कुमार माथुर विकल्प नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष क्वेश्चन नंबर है आपका 27 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सह विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है, यह बताना है, चार विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवानी विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवानी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वायुसेना प्रमुख को बताना है और आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आप ऑलरेडी पहले से रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो गया है आपका 28 दिसंबर से, यहाँ भी आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन होता है जिसमें आपके लिए 2 घंटे आपका जो है डाउट क्लियर सेशन होता है और 28 दिसंबर से यह बैच आपका शुरू हो गया है। अगर आप MPPSC की तैयारी शुरू कर रहे हैं एंड डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मेगा फाउंडेशन बैच कोर्स जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस और MP के टॉप एजुकेटर हैं, फ्री PDF है, नोट्स हैं, वीकली मेगा क्विज भी आपके लिए यहां पर उपलब्ध हैं। तो अगर यहां पर एक बैच कोर्स की और बात करें स्वप्न पूर्ति, इसमें आपको जो है 35 दिन का आपका बैच कोर्स है जिसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आंसर राइटिंग के साथ आपकी 35 दिनों में इसकी जो है तैयारी करवाई जाएगी, तो यह बैच कोर्स भी आपका शुरू हो रहा है स्वप्न पूर्ति अकेडमी में, आपको अपने घर में बैठे MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है और एजुकेटर जैसे शुभम जी हैं, यहाँ पर शुभम गुप्ता जी हैं, अभिषेक जी हैं, अमित जी हैं, MP के एक जो है टॉप एजुकेटर हैं। आइए तो अब जान लेते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं, बस आपके लिए प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इसमें आपको MPPSC सिलेक्ट करना है, फिर आपके लिए जो है प्लस पर क्लिक करना है, प्लस पर आप जो है इस पर जाकर आपको आप यहां से अपनी मनपसंद की जो बैच है वह आप यहां पर चयन कर लें, फिर आपके लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर यहां पर क्लिक करना है, इसमें आपके लिए आप देख सकते हैं यहां पर ये आपकी जो है कोर्स की प्राइस है, इस प्रकार आपके जो है कोर्स 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का, इसमें आपके लिए सुमित जैन रेफरल कोड अगर आप करते यूज करते हैं सुमित जैन रेफरल कोड तो आपके लिए यहां पर 10% ऑफ में कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें, तो फिर देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और MPPSC व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप के साथ। तो इस प्रकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कि वर्तमान में कौन क्या है,
तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वह सभी टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।